नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति राघव और आज हम बात करेंगे दिवाली के दूसरे दिन छोटी दिवाली की, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। छोटी दिवाली का धार्मिक महत्व भी है। यह महत्व भगवान कृष्ण और राक्षस नरकासुर की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया और लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को बुराई के अंत और सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, जिसे अभयंग स्नान कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्नान से सारे पाप और नकारात्मकता दूर हो जाती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, सजावट करते हैं और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छोटी दिवाली का यह पर्व भी दीपों और खुशियों का उत्सव है, जो मुख्य दिवाली की तैयारी के रूप में देखा जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे जीवन से भी अंधकार और नकारात्मकता का अंत हो और हम सभी की जिंदगी में प्रकाश और खुशियों का संचार हो। इस दिन लोग अपने घरों को दीयों, रंगोली और फूलों से सजाते हैं, जिससे पूरे घर में एक पवित्र और शुभ वातावरण बनता है। दीयों की रोशनी का महत्व है कि हमारे जीवन से अंधकार और नकारात्मकता समाप्त हो और खुशियों का उजाला फैल जाए। तो इस छोटी दिवाली पर हम भी यही कामना करते हैं कि आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाए, सुख समृद्धि की रोशनी आपके घर आंगन में हमेशा बनी रहे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सभी को जनता दरबार न्यूज की तरफ से हैप्पी दिवाली।